everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BBD final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. So, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? मेहनत चल रही है अच्छे से? ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम की लाइन लगने वाली है आप लोगों के पास. ठीक है? सो यस, मैं आ चुकी हूँ एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेके. यस, आप लोगों ने सही सुना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉर फिजियोथेरेपी. ठीक है? फिजियोथेरेपी के लिए मैं एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के पास. यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. ठीक है? पब्लिक यूनिवर्सिटी है पंजाब में. ठीक है? कहाँ पे है? पंजाब में है. सो मोस्ट ऑफ द लोगों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा कि यस, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि फिजियोथेरेपी कराती है. और जिन लोगों को नहीं पता, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे. ठीक है? सो यस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो बीपीटी के लिए. ठीक है? विदाउट एनी हेजिटेशन, नो डाउट, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है. IAP इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी से भी रिकॉग्नाइज्ड है. ठीक है? ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ और सिर्फ बीपीटी और एमपीटी नहीं कराती है, और भी कोर्सेज कराती है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड. बीपीटी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, एमपीटी, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, एमएससी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और लास्ट है हमारा MHA, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है? इन सब में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है? क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है? विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन नहीं होगा. डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट देना ही है. कंपलसरी है एंट्रेंस टेस्ट देना. ठीक है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे कल रात को ही पता चला यूनिवर्सिटी के बारे में. खैर, जिन लोगों ने, एक दो लोगों ने मुझसे एमपीटी का पूछा था, ऑलरेडी मैं उन्हें बता चुकी थी इंस्टाग्राम पे, बट सडनली मुझे याद आया कि बीपीटी का भी एक बार चेक कर लेते. तो जस्ट मैंने रात को वेबसाइट पे विजिट किया और मुझे पता चला, ओ माय गॉड, बीपीटी है. फिर मैंने जाके स्क्रॉल किया और लास्ट डेट देखी. तो भाई, लास्ट डेट देख के तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अब क्या करूं, मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा वरना एक यूनिवर्सिटी मिस हो जाएगी. तो मैंने जस्ट कम्युनिटी पोस्ट डाला. आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो मेरे चैनल पे, कम्युनिटी वाले ऑप्शन में मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल के आपको रात में ही बताया था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके फॉर्म की लास्ट डेट सिर्फ 2 दिन बाद है. यस, आप लोगों ने सही सुना, 2 दिन बाद लास्ट डेट है. फॉर्म्स तो बहुत पहले आ गए थे, मैं ही आप लोगों को लेट बता रही हूँ, बट अभी भी टाइम नहीं निकला है. ठीक है? 2 दिन है आप लोग के पास, पूरे 2 दिन. अगर आज के दिन को भी हटा देते तो फिर भी 2 दिन है, 26 और 27. ठीक है? 5 बजे तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे. ठीक है? 27 को भी. अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी में कौन कौन एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है. सो नो डाउट ऑल स्टेट. ठीक है? इंडिया में जितनी भी स्टेट है, हर स्टेट का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है. ठीक है? बहुत अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि अपनी ही स्टेट के बच्चों को ही सिर्फ जो है अलाउ करती है. उन स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे. फिलहाल आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि यस, पंजाब में अगर आप लोग इंडिया में किसी भी स्टेट से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो. इवन फॉरेनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट की. ठीक है? फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है समझ में आ गई होगी, 2 दिन बाद की है, मतलब कि 27 जून. ठीक है? कितना है? 27 जून जो है आपका लास्ट डेट है. सो अब हम लोग बात करते हैं बीपीटी की. ठीक है? बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की पूरी डिटेल के बारे में. ठीक है? कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, टेस्ट देना है, तो सिलेबस क्या होगा. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ठीक है? सो मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए. अगर आप लोग 17 के कंप्लीट नहीं है तो दिसंबर तक 17 के कंप्लीट हो जाइए. और नेक्स्ट जो है कि आपकी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होनी ही होनी चाहिए. ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके जो मार्क्स है 50% होनी ही चाहिए. ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं सीट्स की. ठीक है? एनुअल इनटेक इस यूनिवर्सिटी में कितना होता है. सो टोटल सीट्स है 60. ठीक है? कितनी है? 60 सीट्स है. अब हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की डेट. सो यस, एंट्रेंस एग्जाम की डेट कितनी है. सो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 5th जुलाई. कितनी है? 5th जुलाई आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट है. यस, 5th जुलाई, मतलब अभी है, कुछ दिन बाद आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम. और एंट्रेंस एग्जाम के वेन्यू की बात कर ली, कहाँ पे आपका पेपर होगा. सो आपका पेपर पंजाब में ही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में. ठीक है? और बाकी आपको आपके एडमिट कार्ड पे शो हो जाएगा. ठीक है? और एग्जाम टाइमिंग की बात करें, सो एग्जाम का टाइम है आपका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का, सुबह का 10 AM से लेकर 11 AM तक का आपका एग्जाम का टाइम होने वाला है. ठीक है? और काउंसलिंग की बात करें तो 13th जुलाई. ठीक है? 13th और 14th जुलाई को आपकी काउंसलिंग की डेट है. सो जब आप लोग पंजाब जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, 5th को आपका एग्जाम है, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ टाइम वहीं रह सके, किसी रिलेटिव के पास या फिर कहीं पे भी, बिकॉज आपको दोबारा ना जाना पड़े. ठीक है? अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर आपको काउंसलिंग के लिए दोबारा जाना पड़ेगा. सो मेक श्योर दोबारा ना जाना पड़े, आप वहीं पे कहीं स्टे कर सकते हैं. ठीक है? सो एमपीटी के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. एज आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरी लाइफ का पार्ट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा आप लोगों के साथ ही जा रहा है आजकल. सो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता रहे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है.
वैसे तो मैं ये वीडियो आप लोगों को आज ही नून तक पोस्ट कर देती और आप लोगों को मिल जाती, बट मुझे थोड़ा टाइम इस वीडियो को पोस्ट करने में इसलिए लग गया बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। लिटरली आधी वीडियो मैं शूट कर चुकी थी बीपीटी तक की, और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जस्ट वॉमिटिंग, स्वाइटिंग, मतलब पता ही नहीं चल रहा था एकदम से क्या हो गया। तो फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा लेटी, फिर मैंने सोचा कि चल पूर्णिमा उठ जा, थोड़ी हिम्मत कर और बता पहले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, एक वीडियो बना अपलोड कर, हिम्मत है तेरे अंदर तो कर लेगी। तो मैंने खुद को ऐसे करके मोटिवेट किया और मैं उठ के आई। एक्चुअली पता है हम लोग ना थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडिया में वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है, ठीक है। सो मेरे घर पर एसी नामक वस्तु जो है वो उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं जो है अपना फैन भी ऑफ कर देती हूँ बिकॉज फैन जो है बहुत ज़्यादा नॉइज करता है, ठीक है। तो वीडियो में आवाज़ आएगी, ठीक है, फैन की, तो हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं जो अपना फैन भी ऑफ कर देती हूँ। और एसी तो है ही नहीं हमारे पास, तो जस्ट मतलब मैं सब कुछ बंद करके ऐसे गर्मी में गेट वगैरह भी सब बंद कर देती हूँ ताकि बाहर से कोई नॉइज ना आए, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा कोई सेटअप वगैरह नहीं है, जस्ट फोन अपना स्टूल के ऊपर रख के ऐसे पूरा कैमरा सेटअप करके मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। बाय गॉड ग्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ यू पीपल, विद द सपोर्ट ऑफ यू ऑल पीपल, यूट्यूब चैनल चल रहा है और आप लोगों का ट्रस्ट है, तो इसलिए मैं वीडियोज बना रही हूँ। मैंने आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया है ना कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम जा रहा है, दो दिन ही बचे हैं, बस टाइम नहीं है, और आप ये सब बता रही है ना, ऐसे मत सोचना, ठीक है। अभी टाइम है आप लोग के पास, आराम से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जब आप लोग वेबसाइट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एडमिशन के लिए 2022 और 23 के लिए, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो यस, आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं एमपीटी के बारे में, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एमपीटी के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एमपीटी आपका कितने साल का कोर्स है। सो एमपीटी आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक, कितने का, 2 ईयर का कोर्स होता है, और सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एमपीटी के लिए। सो आप लोग की 4.5 इयर्स की बीपीटी की डिग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, 4 इयर्स तो आपके पढ़ाई में लग जाते हैं, बाकी 0.5 मैंने इसलिए बोला कि 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप भी कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए, और जो आप बीपीटी करे हो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीपीटी कर रखा हो, ठीक है, और टोटल मार्क्स आप लोगों के बीपीटी में 50%, कितना 50% आप लोगों के टोटल मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं एमपीटी की ब्रांचेस की, ठीक है। सो दो फील्ड पे एमपीटी अवेलेबल है यहाँ पे, पहला आपका एमपीटी ऑर्थो, दूसरा आपका एमपीटी स्पोर्ट्स, ठीक है, कौन सा, एमपीटी ऑर्थो और एक आपका एमपीटी स्पोर्ट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमपीटी ऑर्थो को, ठीक है, एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स को। सो एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स में टोटल सीट इनटेक कितना है, सो 16, कितना 16 आपकी सीट्स हैं। सीट का डिवीजन देख लेते हैं किस तरीके से है, तो जनरल में आपकी 8 सीट्स है, एससी और एसटी में आपकी 4 सीट्स है, ओबीसी में आपकी 2 सीट्स है, पीएच में आपकी 1 सीट है, और अदर में आपकी 1 सीट है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, ठीक है। सो आपकी एग्जाम डेट है 18 जुलाई, कितना 18 जुलाई जो है आपकी एमपीटी ऑर्थो की एग्जाम की डेट है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइमिंग की। सो टाइमिंग आप लोगों का सेम रहेगा पीपीटी के जैसा, 10 AM to 11 AM, ठीक है, कितना 10 से लेकर 11 बजे तक का, 1 घंटे का सिर्फ आपका पेपर होगा, ठीक है, सुबह की शिफ्ट में। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग डेट क्या है आपकी बीपीटी की, काउंसलिंग की डेट थी 13 to 14, ठीक है, कितनी थी 13 जुलाई से 14 जुलाई तक, और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की डेट है एक दिन बाद ही, जस्ट 19 को, ठीक है, 18 को पेपर हुआ, 19 को आपकी जो है काउंसलिंग की डेट है। सो फिर से मैं आपको वही चीज बोलूंगी कि अगर आप लोग पंजाब जा रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके जाना, वहां पे स्टे करना, क्योंकि आपकी काउंसलिंग अब तो एक ही दिन बाद है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है, एमपीटी स्पोर्ट्स, जो आपका एमपीटी स्पोर्ट्स है, ठीक है, आपका जो बीपीटी था बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी और एमपीटी ऑर्थो था वो तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो एमपीटी स्पोर्ट्स है ये आपका MYAS गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे एमपीटी स्पोर्ट्स में सीट कितनी है, ठीक है। सो आप लोगों को नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हो इतनी सीट्स हैं और इतना आपका जो है सीट डिवीजन है। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट की। सो यस, आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 12 जुलाई, कितना है 12 जुलाई आपके एंट्रेंस एग्जाम का डेट है, और टाइमिंग वही रहेगा 10 से 11 बजे का सुबह का, ठीक है। जैसे कि हम लोग बीपीटी और एमपीटी ऑर्थो का देख चुके हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में, बट आपका जो एमपीटी स्पोर्ट्स है इसका एग्जाम होने वाला है आपका MYAS गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की, ठीक है, कि आपकी किस डेट पे काउंसलिंग होनी है। सो काउंसलिंग का डेट आप लोग का सेम रहेगा 12th को ही, ठीक है, 12th को ही आपका एग्जाम है और 12th को ही आपकी काउंसलिंग है। बहुत जल्दी ये लोग आप लोग को रिजल्ट भी बता देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि MYAS गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में और कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका MSc है, आपका MA है और आपका MHA है, ठीक है। ये भी आप लोग इन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। MSc और MA ये दोनों तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ MHA के बारे में, ठीक है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के बाद में आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, जो आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर MHA करते हो तो ये पोस्ट है आपको जो आपको हॉस्पिटल में मिल सकती है, ठीक है। आप पूरा हॉस्पिटल भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। सो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी मास्टर्स की और आपकी डिग्री का नाम है MHA, ठीक है। सो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और कौन कौन दे सकते हैं, सो जरूरी नहीं आपने BPT कर रखा हो, आपने MBBS कर रखा है या फिर आपने BDS कर रखा है या BPT या फिर BSc नर्सिंग कुछ भी कर रखा है, तो आप उसके बाद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। MHA के लिए, MHA की अगर एग्जाम डेट की बात की जाए, सो एग्जाम आपका 19th को होने वाला है, 19 जुलाई, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एग्जाम डेट है। अब रही बात एडमिट कार्ड की, सो हम लोग एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम से 5 या 7 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग का एग्जाम 5 जुलाई को है BPT का, तो आपको एडमिट कार्ड जो है वो 29 या फिर 30 जून के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग का एग्जाम जो है MPT का औरतों का अगर 18 जुलाई को है बहुत लास्ट में जाके, तो आपको वही उसके 5-7 दिन पहले मतलब 10 जुलाई के बाद ही आपको आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर MPT स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, तो एग्जाम आपका 12 जुलाई को है, उसके भी एडमिट कार्ड आपको 5-7 दिन पहले देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को और डिटेल में जानना है कि सिलेबस क्या है, एंट्रेंस पैटर्न क्या है, सो आप लोगों को मैंने नीचे प्रॉस्पेक्टस का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो, पूरे प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको अपने कोर्स के नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। किसका? क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये बीपीटी के लिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके पूरी डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, नीचे कॉमेंट कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और हो सके तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उन लोगों को भी फिजियोथेरेपी के बारे में बताइए और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो फिजियोथेरेपी कराती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो लोग भी इस एग्जाम में अप्लाई करने वाले हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई और क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए पता है ना, भूलना मत क्या करना है, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।